सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मुस्कान लाइफ में। सो जैसे कि आप लोगों ने पता लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सो जो कि प्रफुल्ल बिलोरे, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब सेंसेशन और आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। सो जिनके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, जिनने एक ठेली से चाय बेच के काम स्टार्ट किया था, अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया था और आज करोड़ों का बिजनेस सेट कर लिया है। सो जो कि आजकल के स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है और आजकल के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। सो आज हम उनकी ही बहुत एक अच्छी सी आउटलेट जो कि है MBA चाय वाला, जो कि आप सब लोग जानते हैं, उस पर जाने वाले हैं, जो हमारी प्यारे से सुंदर से अलवर में आ चुकी है, जो कि Scheme 2 में है। सो मैं उसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्पफुल होगा आप वहाँ पे जाने में। सो अभी हम वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ चल के चाय पियेंगे, वहाँ की बेस्ट चाय और वहाँ के जो भी स्नैक्स, रिसेंटली सेलिंग स्नैक्स हैं, बेस्ट स्नैक्स फूड जो भी समर में सेल हो रहा होगा वहाँ का वो ट्राई करेंगे। सो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट वहीं चल के मिलते हैं। गाइज, अभी हम यहाँ पे MBA चाय वाले के यहाँ पर आ चुके हैं। सो अभी हम अंदर चलते हैं और यहाँ के ओनर से, मैनेजर से बात करते हैं कि यहाँ पे चाय तो फेमस है ही, उसके साथ और क्या क्या फेमस है और यहाँ पे जब से ये खुला है तब से लोग क्या क्या बेस्ट खाने आ रहे हैं। सो अभी हम अंदर चलते हैं। सो या गाइज, यहाँ पे हम MBA चाय वाले पे आ गए हैं। सो यहाँ पे ओनर तो नहीं है, सो हम मैनेजर से पूछते हैं कि हमें चाय के साथ क्या रेफर करेंगे और यहाँ पे क्या बेस्ट है अभी तक जो लोग खाने आ रहे हैं। सो आपके यहाँ पे क्या क्या बेस्ट है? चीज़ मैगी, अल्फ्रेडो पास्ता, मोइतो और पिज्ज़ा में भी स्पेशल मार्गिटा पिज्ज़ा भी है, सैंडविच, चीज़ ग्रिल सैंडविच। और यहाँ का एग्जैक्ट पता जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? शॉप नंबर 25, Scheme 2। सो अभी हम यहाँ पर फूड ऑर्डर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बेस्ट है खाने के लिए। मैं आपको प्राइस वगैरह भी बताती रहूँगी। यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ गया है। सो अभी पहले हम मैगी और चाय ट्राई करते हैं। सो इस मैगी का प्राइस 50 है, सो क्वांटिटी भी सही है। सो अभी हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। सो इसका टेस्ट अच्छा है और इसका टेस्ट थोड़ा बहुत मैगी जैसा नहीं है, इसका टेस्ट पास्ता आता है वैसा है। सो इसकी सॉस वगैरह थोड़ी अलग है, मैगी जैसा टेस्ट नहीं है, पास्ता जैसा है। सो इसके बाद हम चाय ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास दो चाय हैं, जो कि एक 100 ml है और एक 120 ml है। ये 20 की है, ये 30 है। सो पहले हम ये ट्राई करेंगे, MBA की देसी स्पेशल चाय। अभी बहुत गर्म है, मैगीज़ का टेस्ट अच्छा है। सो 20 वाली थी, सो ये 30 वाली है जो कि कुल्लर में है। सो अभी हम ये ट्राई करते हैं। सो दोनों का टेस्ट सेम है, ऑब्वियस ही बात है सेम होगा। सो कुल्लर वाली चाय ज़्यादा अच्छी है, बाकी आप वो भी ले सकते हो ये भी। सो जो चाय का टेस्ट है वो बहुत बेस्ट है इसमें, मीन्स
चाय पत्ती, इलायची और जो मसाले की टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। सो अभी हम अपना सेकेंड मील पे जाते हैं जो कि सैंडविच और मोजीटो है। सुबह हम इसे ट्राई करते हैं। सो पहले सैंडविच कुछ ऐसे है, इसमें 3 ब्रेड स्लाइसेस हैं और 4 सैंडविच के पीसेस हैं और इसके साथ थोड़ी सी तंदूरी सॉस है। हम इसे इसके साथ ट्राई करेंगे। सो ये ब्रेड बहुत ज़्यादा क्रंची है बाहर से और इसके अंदर की फिलिंग ऐसी है, बहुत अच्छी फिलिंग है दोनों लेयर में और इसके बाद मेयोनीज का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसके अंदर गार्लिक, चीज़ वगैरह बहुत कुछ है। सो आप 90 रुपीज़ में सैंडविच ले रहे हो, सो आप ज़रूर ट्राई करो। सो अभी हम मोजीटो पे ट्राई करते हैं। सो ये 89 रुपीस का है। सो इसे ट्राई करते हैं। सो इसमें जो लेमन का, मिंट का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है और ये बहुत चिल ठंडा भी है। सो इसमें मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप इसे लो क्योंकि ये गर्मियों के टाइम में, जैसे भी गर्मी का टाइम है, तो आप ये बिल्कुल अच्छे से ट्राई कर सकते हो क्योंकि 90 रुपीज़ में ऐसा मोजीटो का फ्लेवर टेस्ट इज़ लाइक ऑसम। सो आप यहाँ पर आके ये ट्राई ज़रूर करो। सो अभी पहले हम ये सब फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो या गाइस, यहाँ पे मैंने अपना सारा खाना तो फिनिश कर ही लिया, तो मैं वापस से एमबी की चाय पी रही हूँ, देसी चाय। सो यहाँ पर अभी ओनर दीदी हैं जो अंश भैया भी हैं और भी ओनर्स हैं, सो वो आ गए हैं। सो अभी हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें यहाँ की पूरी डिज़ाइन, जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो खुद ने करी है, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से नहीं करवाई है। सो हम उनका थॉट प्रोसेस जानेंगे कि उन्हें पूरी पर्टिकुलर एक एक जगह, सिटिंग एरिया, नॉवल एरिया, जो झूला था वो उन्होंने किस पर्पज़ से रखा है, उनका थॉट पूरा पर्पज़ है, तो इस वीडियो में बताएंगी। सो अभी हम चाय पीकर उनसे बात करने चलते हैं। चले राइट। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस एरिया, राइट? इट्स अ फुल फ्लेज्ड सेल्फी एरिया। यू कैन क्लिक गुड पिक्चर्स, यू कैन सिट, हैव कॉफी, चिल अराउंड विद योर फ्रेंड्स। देन वी क्रिएटेड दिस फॉर फ्रेंड्स who comes along in groups, right? And families who wanted to have their family time. So the major idea was to give you a warm light effect with a tagline of not just any place, because we feel like we have created something very different from what other people are giving, right? So this area is wholly for the people who just wanted to come along with just friends, chill, sit apart. And this is for novel lovers who wanted to come, sit, read, love reading. We have every sort of books here. You can just pick one and read. So it's open. You can sit. There's no timing that you have taken a chai, so you cannot sit and read. It's not like that, right? So that was the whole area. And that was the whole idea of creating the interior. So I, my sister and my brother had the thought to create this. So we are little interior designers here. So that's the kitchen. I cannot show you. It's a little self-service. Yeah, it's self-service. All solely self-service. Right? Thank you. Bye-bye. So yeah guys, यहाँ पे हमने अपने owners वगैरह थे और सब थे, उनसे बात कर ली है। सो यहाँ के सारा स्टाफ और owners बहुत पोलाइट और अच्छे हैं। सो यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, यहाँ पे फ्री चाय फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स और इन सब के लिए फ्री चाय है 24/7। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर लिख कर जाएँ, जो कि मैंने भी अपना रिव्यू लिख लिया है। सो मैंने अपना रिव्यू लिख लिया है, सो मैं अभी से अपना यहाँ पे चिपका देती हूँ ऊपर ऊपर।
सो आप लोग यहाँ पे अपने रिव्यूज़ लिख कर जाएँ जो कि रीड करते हैं सबका रिव्यू। सो मैंने भी अपना लगा दिया है। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना और जो जो नए मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.